खुदा का रसूल फरमाता है कि मैंने ईमान को महफूज रखा रखा कर लेना और बात है, रखना और बात है, क्योंकि जो रखी हुई चीज होती है उसको हम बार बार देखते हैं क्या वो अपनी जगह पे मौजूद है या नहीं। ईमान क्या है? खुदा का कलाम फरमाता है ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। गुलाम यसू मसीह ने शमाउन पत्र से कहा कि मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान ना जाता रहे। आमीन। पौलुस रसूल फरमाता है मैंने ईमान को महफूज रखा। क्या आज हमारा ईमान महफूज है? क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं और हम देखते हैं कि मसीहियों को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम खबरें सुनते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन खुदा चाहता है कि हम अपने ईमान में कायम रहें। खुदा चाहता है कि हम अपने अपनी हमारी जो भी जरूरत है हम उसको खुदा की हजूरी में रखें, ना कि हम दूसरों की चीज़ों की तरफ ध्यान और ज्ञान करें। लेकिन खुदा हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है और हमारी बहुत सी चीज़ों पर वो कादर है हमें देने के लिए, नेमतें बरकतें शफकतें, उसका रहम हमारे ऊपर सदा बना रहता है। और हम रसूलों का जिक्र मिलता है पाकलाम में से जिन्होंने अपने ईमान को महफूज रखा। बहुत बड़ी हमें गवाही मिलती है अब्राहम की, जिसने खुदा पर पूरे दिल से और पूरी जान से ईमान रखा और उसने बेटा पाया जो खुदा ने उसके साथ वादा किया था कि मैं तुझे बेटे जैसी बरकत दूंगा। आमीन। हम दूसरे नबी को देखते हैं अय्यूब नबी, सब कुछ चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन कायम क्या रहा? उसने क्या महफूज किया? खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने ईमान को महफूज रखा। उसकी बीवी ने कहा कि तू खुदा की तकफीर कर और मर जा, लेकिन उसने क्या कहा कि तू तो नदान औरतों की सी बात करती है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए? सो उसका ईमान महफूज रखा। जब मैंने अय्यूब नबी का ये सारा सहीफा जो था मैंने पढ़ा तो यकीन माने कि मेरी रूह कांप गई कि किस तरह उस पर इतनी मुश्किलात इतनी परेशानी आई, लेकिन तो भी खुदा ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, खुदा ने उसको कबूल कर लिया और उसका ईमान जो है वो मजबूत रहा। आमीन। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप भी खुदा में मजबूत रहे। जब आप खुदा के घर में आ जाते हैं तो खुदा की हजूरी को इस कदर महसूस किया करें और उसको अपने साथ लेकर घर जाया करें, ताकि आपका ईमान जो है वो कायम हो और आपके ईमान के वसीला से आपकी फैमिली जो है, आपके खानदान जो है वो भी क्या करे, ईमान पाए, क्योंकि लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।